वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो कोल इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो आज यहाँ पे 182.60 पे ओपन हुआ था, गैप डाउन से ओपन हुआ था। आज के दिन में गैप डाउन से ओपन होकर लो बनाया था 179 का। जैसे सुबह में गैप डाउन से ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते कि गिरावट देखने को मिली थी और 180 पे जाके सपोर्ट लिया था। फिर 180 को ब्रेकआउट देके भी यहाँ पे आप देख सकते तकरीबन लो बनाया था 179 का। फिर से एक अच्छा रिकवरी दिखाया और एक अच्छी मूवमेंट दिखाते हुए 180 लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है अभी रिसेंटली कोल इंडिया स्टॉक। और आज का हाई भी है 184.25 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 1.12 लाख करोड़ का है। पी रेशियो 13.59 का है और डिविडेंड यील्ड है 9.62% का। तो यहाँ पे पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक की, तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते एक अच्छी रैली की थी पिछले पहले 3 दिन, फिर बाकी के 2 दिन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है कोल इंडिया स्टॉक के अंदर तकरीबन 4%। तो भी अपसाइड मूव में है यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक। 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में यहाँ पे 14% ऑफ है लास्ट 1 मंथ के अंदर यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक। तो कोल इंडिया यहाँ पे आप देख सकते करंटली चार्ट एनालिसिस देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते जैसे कि 170 लेवल को ब्रेकआउट दिया था, तो 170 को ब्रेकआउट देकर एक अच्छी मूवमेंट की थी, फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, पर 171 से यहाँ पे फिर से बाउंस बैक दिखाया। करंटली यहाँ पे मंथली रजिस्ट्रेशन 2 है उसका रजिस्ट्रेशन लेता हुआ नजर आया है कोल इंडिया स्टॉक। जैसे ही रजिस्ट्रेशन 2 को ब्रेकआउट नहीं करता तो भी नीचे आता है, तो भी यहाँ पे आप देख सकते 177 पे रजिस्ट्रेशन 1 का सपोर्ट लगने का चांसेस है मंथली बेसिस पे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते कोल इंडिया स्टॉक के लिए।